जय श्री श्याम मित्रों, यदि यह सपने आपको भी आते हैं तो समझ लीजिए आपका भी भाग्य बदलने वाला है, आपके जीवन में ऊर्जा आने वाली है, आपके जीवन में समझ लीजिए जो चीज आप चाहते हैं वो पूरी होने वाली है, या कह सकते हैं शुभ समय आपका आ गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सपनों की जो यदि आपको भी आते हैं, इनमें से दो सपने जो मैं बताने वाला हूं, तो इन दोनों सपनों का संकेत ऐसा है कि आपका भविष्य अब सुनहरा होने वाला है, आपका भविष्य बहुत अच्छा और सुरक्षित रहने वाला है, या आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें अब होने वाली हैं, इसका संकेत ये सपने देते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि किस समय का सपना तुरंत सच हो जाता है और किस समय का सपना आने पर थोड़ा समय लेता है सच होने में। वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज बात कर रहे हैं मित्रों सपनों की। हर व्यक्ति को सपने आते हैं और अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं। आप कह सकते हैं कि जब सपने आपको आते हैं तो यह कोई ना कोई इंडिकेशन, कोई ना कोई संकेत आपके जीवन में लेके आते हैं। सपनों को शुभता और अशुभता का सूचक माना जाता है, या सपनों को आप कह सकते हैं कि ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से सपने जो तुरंत सच हो जाते हैं, कुछ समय में ही सच हो जाते हैं, और ऐसे कौन से सपने हैं जो समय लेते हैं सच होने में, लेकिन सच अवश्य होते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मध्य रात्रि में जो भी सपने आते हैं, यानी कि रात्रि में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो भी सपने आपको आते हैं और अगले दिन सुबह तक आपको याद रहता है, तो समझ लीजिए यह सपने सच अवश्य होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा समय लगने वाला है, यानी कि ये अभी बहुत जल्दी पूरे होने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि आपको 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कोई भी सपना आता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और उस समय के बीच में जो सपने आपको आते हैं वो सच भी होंगे और बहुत शीघ्रता से सच होने वाले हैं, इसका ये मतलब होता है। यानी कि जो मध्य रात्रि में आ रहे हैं वो उसमें समय लगेगा, लेकिन सच अवश्य होंगे। और दूसरा, जो आपको भोर में, यानी कि आपको जो ब्रह्म मुहूर्त में सपना आया है या आ रहे हैं और याद भी रह रहे हैं, तो समझ लीजिए वो शीघ्रता से आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे और आपको लाभ देते हुए दिखेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है और किन सपनों की मैं बात कर रहा हूं? सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं कि यदि आपको सपने में माता लक्ष्मी दिखती है, सपने में आपको धन दिखता है, सपने में आपको भगवान लक्ष्मी के कोई भी रूप दिखते हैं, या आप कह सकते हैं भगवान विष्णु दिखते हैं, या आप कह सकते हैं कुबेर दिखते हैं, या धन संबंधी चीजें या लग्जरी से संबंधित चीजें आपको दिखती हैं, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में इनसे संबंधित कोई भी जो लाभ नहीं मिल पा रहे थे, तो अब जीवन में आपको इनसे संबंधित लाभ मिलते हुए दिखने लगेंगे और समय के अनुसार आपको वो लाभ मिलेंगे। दूसरा, यदि आपको अपने पितरों के दर्शन होते हैं, आपके पूर्वजों के दर्शन सपने में होते हैं, या आपके माता पिता, या आपके दादा दादी, या आपके कोई ऐसे बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है, श्री चरणों में जा चुके हैं, उनके भी दर्शन यदि आपको होते हैं, तो समझ लीजिए यह सपना भी आपको मालामाल बना सकता है, आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता है, या आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने के लिए काम कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये दोनों तरीके के सपने यदि आपको आते हैं और आपको अगले दिन सुबह याद भी रहते हैं, तो समझ लीजिए यह वह सूचक है, इंडिकेशन है कि आपके जीवन में बदलाव आना है, कुछ समय जा रहा है और आपका जीवन बदलने वाला है, आप सुरक्षित और खुश रहने वाले हैं और आपके जीवन में लाभ ही लाभ होते हुए अब आप देखेंगे। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप राधे राधे लिखें, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।